Hey guys, this is Dave and I welcome you all to All About Pets. आप सभी का स्वागत है All About Pets में और आज मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ जिससे आप बजीज, ज़ेब्रा फिंचेस और कॉकटेल्स को साथ में रख सकते हैं like मैंने जैसे रखा हुआ है. आप देख सकते हैं केज का मेरा एक पोर्शन है, थोड़ा बड़ा पोर्शन है, लाइक ये 2.5 feet x 2 feet का ये एक पोर्शन है. तो इसमें मेरे पास चार मैंने बजीज रखे हुए हैं, तीन यहाँ पे कॉकटेल्स हैं आपके सामने और छः मेरे ज़ेब्रा फिंचेस मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं. तो आप भी अगर ये मिक्स्ड एक कॉलोनी टाइप बनाना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बर्ड्स एक साथ रहें. वैसे नीचे फ्लोर गंदा हो रखा है बट आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने एक दिन पहले साफ़ किया इसको, मतलब आज कल परसों, लाइक परसों मैंने इसको साफ़ किया था और आज मैं इसको साफ़ करने जा रहा हूँ. तो साफ़ करने से पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ. एनीवेज आगे बढ़ते हैं. तो देखिए, इनको साथ में रखना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, छोटी मोटी बातों का आपको ध्यान रखना होता है. उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो तीनों ब्रीड्स हैं, बजरीगार्स मतलब पैराकीट्स या फिर बजीज, कॉकटेल्स और ज़ेब्रा फिंचेस, ये तीनों के तीनों जो ब्रीड है ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रीड है, मतलब ये सेम जगह से बिलोंग करते हैं. और बात आती है पहली बार कॉकटेल की, तो आप कॉकटेल्स को देख सकते हैं, बहुत बड़े होते हैं ये एज़ कम्पेयर टू बजीज एंड ज़ेब्रा फिंचेस. तो लेकिन क्या है कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है और जहाँ तक मैंने पढ़ा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली कॉकटेल्स बहुत शांत होते हैं, मतलब दूसरे बर्ड्स के साथ वो आराम से रह लेते हैं. अब बात आई बजीज की, बजीज को थोड़ा आपको रखने में थोड़ी परेशानी होगी क्योंकि कॉकटेल्स बहुत शांत होते हैं, काम नेचर के होते हैं, साथ रह रहे थे किसी भी बर्ड्स के, उनके साथ आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है. बजीज जो है थोड़े बॉसी नेचर के होते हैं, उनका जो नेचर होता है थोड़ा दूसरों को परेशान करने वाला नेचर होता है कि किसी को जाके मतलब फेदर प्लक कर दिया, किसी को मार दिया. तो इसीलिए आपको ऐसे बजीज चाहिए जिनका मूड काफ़ी अच्छा रहता हो, मूड इन द सेंस नेचर, ठीक है. अब देखिए, कुछ कुछ बजीज ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा बॉसेस होते हैं और उनको कोई मिला तो वो उनको काटने को दौड़ते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं. तो ऐसे बजीज आपको साथ नहीं रखना है ज़ेब्रा फिंचेस के, अदरवाइज़ आपको जो है दो दिन में ही जितने भी आपको ज़ेब्रा फिंचेस दिख रहे हैं उनके आप पंख उधड़े हुए देखेंगे या फिर एक आधा ज़ेब्रा फिंच जो है मरा हुआ भी दिखेगा. क्योंकि बजीज अगर कोई स्पेशली फीमेल्स जो होती हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फीमेल्स बेसिकली बॉसी होती हैं बाई नेचर, तो फीमेल्स को हो सके तो ना रखे. और कुछ कुछ फीमेल्स बहुत शांत भी होती है, तो अगर आपके पास बहुत शांत फीमेल है उनको आप ज़ेब्रा फिंचेस के साथ रख सकते हैं. क्योंकि देखिए, कॉकटेल्स को तो मार नहीं सकते हैं, कॉकटेल्स काफ़ी बड़े होते हैं, तो कॉकटेल्स के साथ जाके भी वो लड़ाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन ज़ेब्रा फिंचेस पे वो अपना गुस्सा उतार सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं और ज़ेब्रा फिंच एट द एंड घायल हो जाएंगे या फिर उनकी डेथ भी हो सकती है. तो आपको बेसिकली करना क्या है कि अगर आपके पास ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए आप नहीं रख रहे हैं अपने पास बर्ड्स, आप लाइक सिंपली आप एक पेट लवर हैं, अपने पास आपको कुछ बर्ड्स रखने हैं सबको साथ में, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कुछ काम नेचर के बजीज लाएँ और स्पेशली मेल्स, क्योंकि मेल्स के साथ ज़्यादा दिक्कत आती ही नहीं है, मतलब दिक्कत आती ही नहीं है क्योंकि मेल्स अपने आप में गाते रहते हैं, नाचते रहते हैं, वो दूसरों को परेशान नहीं करते हैं. लेकिन जो फीमेल्स होती है और स्पेशली उनके ब्रीडिंग टाइम पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज़ आप इनको साथ में रखिए. और सेकेंडली देखिए, आपको स्पेस भी चाहिए होगा. अब जो मेरे कॉकटेल्स हैं ना, कॉकटेल्स भी मेरे पास ये इतना बड़ा पोर्शन है कि कॉकटेल्स भी आराम से उड़ पाते हैं, ठीक है. आपको ऐसा पता नहीं लग रहा होगा लेकिन अगर मेरे कॉकटेल्स उड़ना चाहे तो आराम से उड़ सकते हैं इस केज में, ठीक है. कितना स्पेस है मेरे पास, और बजीज और फिंचेस को तो आप देख ही सकते हैं काफ़ी बड़ा उनके लिए स्पेस हो जाता है, तो इनको कोई इशू नहीं आता है, ठीक है. और ये रहे मेरे लाइक हैंड फिट किए हुए बजीज. आई होप आपको ये पसंद आते होंगे, इनके बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहेंगे तो. बहुत क्यूट है और इनको मतलब ऐसे प्रीन करूँ तो उनको बहुत अच्छा लगता है. एनीवेज बात करते हैं यहाँ की साथ में रखने की, तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं. स्पेशली आपको बजीज का ध्यान रखना है, कॉकटेल्स आप ले आइए, कॉकटेल्स कोई दिक्कत नहीं करते, बजीज आप काम नीचे के ले आइए, पॉसिबल हो तो मेल्स ही रखें. और बस इनको एक अच्छा सा स्पेस दीजिए ताकि ये सब उड़ पाएँ,
खाने की इनको कमी ना हो, क्योंकि अगर खाने की कमी होगी तो ऑब्वियसली ज़ीब्रा फिंचेस को जो है दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बड़े बर्ड्स पहले खा लेंगे और ज़ीब्रा फिंचेस को जो है खाना नहीं मिलेगा या फिर उनको भगा दिया जाएगा। तो मेक श्योर कि आप नॉर्मली जितना खाना रखते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही खाना रखें, ताकि आपकी ज़ीब्रा फिंचेस जो है वो भूखे ना सोए। और आप रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, सब साथ में रहते हैं, अलग अलग साउंड्स निकालते हैं, अलग अलग जगह पर बैठते हैं, कभी कभार साथ में भी बैठते हैं, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो बिलीव मी, आप भी ये ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास भी ज़ीब्रा फिंचेस, बजीज और कॉकटेल्स हैं तो। और आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए जैसे मैं इसको ये प्यार दे रहा हूं। और आपको क्या करना है कि लाइक करना है और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को, और बस इतना ही। अपने पेट का ध्यान रखिए। हैप्पी पेटिंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।